सब लोगों की नजरें आप पे टिकी हैं, क्या रिजवान अरशद इस बार भी पार्लियामेंट चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैं इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज मैं MLA हूँ, लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, अगले 4.5 साल मेरा टर्म है, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो मुझे काम करना है। और कोई नौजवान जो दिलों को जीत सकता है, इस इलेक्शन को जीत सकता है, ऐसे कोई नौजवान को हम लड़ाएंगे और हम पूरी मदद करेंगे कि वो यहाँ से MP बने। क्या NA हैरिस MP इलेक्शन सेंट्रल से लड़ेंगे? NA हैरिस विल नॉट फाइट सेंट्रल पार्लियामेंट। NA हैरिस इज हैप्पी इन शांतिनगर। आई हैव गॉट लॉट ऑफ कमिटमेंट्स टू टेक केयर इन द स्टेट, सो आई विल बी हियर ओनली। जूनियर हैरिस लड़ेंगे, उसको पूछो। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। आज तमिल के बड़े पोएट तिरुवल्लर, उनका बर्थ एनिवर्सरी है। बेंगलुरु में जो यहाँ पर अलसुर लेकर यहाँ पर उनकी स्टैचू है, यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए पुलकेशीनगर के MLA एस ए श्रीनिवास, शिवाजीनगर के MLA रिजवान अरशद और शांतिनगर के MLA आरे NA हैरिस आए थे। कई सारे तिरुवल्लर पोएट को चाहने वाले यहाँ पर आए, उनको गर्लैंड के मेरे पीछे आप देख सकते हैं। आज भी यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेकिंग न्यूज आज ये है कि जब यहाँ पर रिजवान अरशद NA हैरिस आए, हमने उनसे सवाल किया कि 2-3 महीने के बाद जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या आप इस चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे? तो रिजवान अरशद और NA हैरिस दोनों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दे आर वेरी हैप्पी टू बी MLAs एंड दे वांट टू सर्व द पीपल ऑफ शिवाजीनगर और शांतिनगर। आइए इस बारे में क्या कहते हैं हम देखते हैं। आज सेंट तिरुवल्लूर जो है एक तमिल कौम के एक बहुत बड़े कवि हैं और कई हजार साल पहले उन्होंने इंसानियत का एक संदेश दिया था, प्यार मोहब्बत का एक संदेश दिया था और उस पैगाम को आज तक लोग नहीं भूले। आज भी उस पैगाम की ज़रूरत है। हमारी खुशनसीबी है कि तिरुवल्लूर का जो स्टैचू है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और हम इसी कदर करते हुए आज इस स्टैचू के डेवलपमेंट के लिए और इस पार्क के डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं और काम आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है। अगले 2 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा और तिरुवल्लूर सेंट तिरुवल्लूर की जो शख्सियत है उनको जो इज्जत बख्शनी चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा हमारी तरफ से एक छोटी सी खिदमत है। सर, इसी जगह पर पिछले साल जब BJP की सरकार थी, यहाँ पर स्टैचू को तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई थी, तब भी आपने आकर यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था। इसी कनेक्टेड बात करते हुए अनंत कुमार हेगड़े, जिन्होंने सिद्धरामैया के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आप प्यार मोहब्बत की बात करें, व्हाट्स योर कमेंट सर? देखिए, अनंत कुमार हेगड़े जैसे लोग जो BJP के लीडर्स हैं, ये समाज को तोड़कर, समाज में जहर घोलकर हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई झगड़ा फसाद करवाकर सिर्फ अपनी इलेक्शन की रोटी सेकना चाहते हैं। अनंत कुमार हेगड़े 2 साल से पिछले सो गए थे जाकर, ये एक बयान नहीं आया। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को तक वो नहीं मिल रहे थे। 3 महीना पहले उनको ख्याल आ गया कि चुनाव है, इलेक्शन जीतना है तो कैसे जीते, लोगों की तो खिदमत की नहीं है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो डेवलप किया नहीं है, तो हिंदू मुसलमान में फूट डालो और अपनी राजनीति सेको, अपनी रोटियां सेको, चाहे किसी का घर जल जाए, किसी को जिंदा रहना मुमकिन ना हो, कुछ भी हो जाए, BJP को इख्तदार में आना है। तो ये जो जहर फैलाने की जो सियासत BJP कर रही है, इसका जवाब अनंत कुमार हेगड़े का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब इस रियासत की आवाम देगी। और वो चुनाव हारेंगे इस बार लिख कर रखिए। सर, 2 दिन पहले राहुल गांधी ने ईस्ट टू वेस्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है, कितना सक्सेसफुल रहेगा, किस तरह की रुकावट हो रही है वहाँ पर? हमने आसाम में जगह नहीं दी, वहाँ के CM ने मणिपुर में जगह नहीं दी, इतनी रुकावट आ रही है। देखिए, भारत जोड़ो जो राहुल गांधी साहब निकले हैं 2 दिन पहले, फिर से निकले हैं,
किस लिए निकल रहे हैं, इस मुल्क को तोड़ रही है बीजेपी, इस समाज को तोड़ रही है, इसको जोड़ने के लिए निकले, दिलों को जोड़ने के लिए निकले हैं, समाज से जहर को हटा करके मोहब्बत फैलाने के लिए निकले हैं। आज इस मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मोहब्बत की सियासत की ज़रूरत है, समाज को जोड़ने की ज़रूरत है, वो राहुल गांधी समझकर लोगों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, मोहब्बत फैलाने के लिए निकले हैं। और इस मुल्क की आवाम उनका स्वागत कर रही है, उनका इस्तकबाल कर रही है। मणिपुर में लोगों को, घरों को, चर्चों को जला दिया गया, कई सौ लोग मर गए, प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं गए, राहुल गांधी वहाँ दिलों को जोड़ने के लिए गए हैं। वहाँ की हुकूमत परमिशन नहीं दे रही, आसाम की हुकूमत परमिशन नहीं दे रही, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बीजेपी है और उनके अलायंस पार्टनर है वहाँ पे उनको परमिशन नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ की आवाम बिना परमिशन के हज़ारों हज़ारों के तादाद में निकल कर राहुल गांधी के साथ खड़ी है। और इस मुल्क को उनकी खिदमत की ज़रूरत है और हम सब उनके साथ खड़े हैं। आने वाले 3 महीने में जब पार्लियामेंट इलेक्शन होगा तो बीजेपी को पता चल जाएगा कि जोड़ने वाली सियासत जीतेगी या तोड़ने वाली। सर, वेरी आखिरी सवाल, सब लोगों की नजरें आप पे टिकी हैं, क्या रिजवान अरशद इस बार भी पार्लियामेंट चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैं इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज मैं MLA हूँ, लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, अगले 4.5 साल मेरा टर्म है, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो मुझे काम करना है। और कोई नौजवान जो दिलों को जीत सकता है, इस इलेक्शन को जीत सकता है, ऐसे कोई नौजवान को हम लड़ाएंगे और हम पूरी मदद करेंगे कि वो यहाँ से MP बने। थैंक यू सर। आज तमिल पोएट का बर्थ एनिवर्सरी है, बरसों से सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपके पहले कमेंट क्या? नहीं, ये तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू ऐसा कुछ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का पोएट है ये। यस। जो भी लिखा है पूरा इंसानियत को लिखा है, ऐसा अलग तमिल वालों को कर्नाटका वालों को करके नहीं, कुछ नहीं है। कर्नाटका तमिल हम लोग बनाए ना बॉर्डर, वो लोग थे तब ये सब बॉर्डर नहीं था ना, तो ये सबके लिए है। इसमें जो भी अच्छा है उसको हम लोग जिंदगी में, हमारा जिंदगी में भी उसको हम लोग किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं देखना चाहिए। ये अच्छा ही बोला है और पूरा सब इंसानियत को बोला है, हम अच्छे इंसान बनने का कोशिश करना चाहिए। ओके सर, हियर यू हैव कम टू गिव द मैसेज ऑफ पीस। बीजेपी के जो अनंत कुमार हेगड़े हैं, जिसने आपके चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के बारे में सिंगुलर में बात किया है, अगेन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, आपका कॉमेंट क्या है? नहीं, आप किसको, किसके बारे में बात करने का, उसको उसको क्या क्वालिटी है किसी के बारे में बात करके हम उसके बारे में डिस्कस करना, तो उसको एक क्वालिटी रहना चाहिए। वो तो उसको बिल्कुल है नहीं, तो उसके बारे में क्यों बात करते हैं आप? सिद्धरामैया बहुत बड़ा है, ए टॉल लीडर, ही टेक्स एवरीबॉडी टुगेदर, हाउ कैन ही टॉक अबाउट सिद्धरामैया? व्हाट इज हिज कंपैरिजन विद सिद्धरामैया? व्हाई आर यू कंपेयरिंग हिम? ही डजंट इवन नो हाउ टू टेक एवरीबॉडी टुगेदर। सी, वी कैन टॉक अबाउट लीडर, डू यू डिमांड हिज अरेस्ट? डू यू डिमांड हिज अरेस्ट? हेलो, व्हाटएवर इज लीगली नीडेड शुड बी डन। ओके सर, 3 months लोकसभा इलेक्शंस आर कमिंग, कांग्रेस इज माउंटिंग प्रेशर ऑन एन ए हैरिस टू कंटेस्ट एंड विन दिस इलेक्शन, क्या एन ए हैरिस MP इलेक्शन सेंट्रल से लड़ेंगे? एन ए हैरिस विल नॉट फाइट सेंट्रल पार्लियामेंट, एन ए हैरिस इज हैप्पी इन शांतिनगर, आई हैव गॉट लॉट ऑफ कमिटमेंट्स टू टेक केयर इन द स्टेट, सो आई विल बी हियर ओनली। जूनियर हैरिस लड़ेंगे, उसको पूछो। अच्छा, इज ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन, लड़ेंगे।